दिल्ली मेट्रो कभी अश्लीलता का गढ़ बनता है तो कभी वहाँ पर धूम्रपान किया जाता है। अश्लीलता क्यों मिलाएंगे, मेट्रो है वो, होटल थोड़ी है। प्यार गलत बात है। बुजुर्ग लोग जितने भी बंदे हैं वो सब कुछ अपनी जिंदगी में कर चुके होते हैं। आज की दुनिया है, 21वीं सदी है यार, आगे बढ़ रहे हैं लोग। ये छोटी सी चीज है, कोई सेक्सुअल एक्ट तो नहीं कर रहे ना कुछ, कोई उसके साथ में कोई सेक्स थोड़ी कर रहा है। कामा सूत्रा कहाँ से आया था? कामा सूत्रा तो भारत की तो देन है। खुजराव पे क्या बना है मुझे बताइए, तमाम मूर्तियां बनी हुई है ना वहाँ पे खुजराव पे। मुझे बता दो किसके मोबाइल के अंदर फोन मिल, कितने कितने बड़े धर्मगुरु मिले हैं और बड़े बड़े नेताओं के पास फोन मिल गई है। कई देशों में यूरोप के अंदर अलाउड है, आप कार के अंदर सेक्स कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। पुलिस पकड़ लेती है आगे, भाई तुम्हारे बाप का मैल है क्या? हम तो यही बोलना चाहेंगे, इनके ऊपर कानून सख्त से कानून लागू होने चाहिए, और ये जो करते फिर रहे हैं ये आवारागर्दी के फंड, ये नहीं होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, और दिल्ली मेट्रो की हालत जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा बुरी होती जा रही है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो कभी अश्लीलता का गढ़ बनता है तो कभी वहाँ पर धूम्रपान किया जाता है। जी हाँ, आजकल एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है जो कि दिल्ली मेट्रो के अंदर का है, जिसमें एक चाचा जी जो है वो बीड़ी सुलगाते नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके से बीड़ी सुलगा रहे हैं जैसे अपने घर में बैठ के बीड़ी जलाई और माचिस फेंक दिया। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने मेट्रो में भी यही कारनामा किया है। और इसी के साथ साथ एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जो बार बार वायरल होती आई है दिल्ली मेट्रो में, लड़का लड़की किसिंग करते हुए। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती रही है दिल्ली मेट्रो में। तो ये वाक्य जो है कब थमने का नाम लेंगे, कि अश्लीलता कब खत्म होगी, इसका जवाब हम जो है आज जनता से लेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, इस पर रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और ये सारी चीजें जो है वो इतनी क्यों फैल रही है। तो चलिए लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और इस पर क्या समाधान निकलना चाहिए। आप एक यूथ है, आप कई बार दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल भी करते होंगे, तो आपने कई बार देखा भी है कि कुछ वीडियोस वायरल हुई है अश्लीलता की, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बेसिकली क्या है कि आजकल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा लाइक ओवन हो गए हैं, ठीक है, बट ये सब चीजें जो है वो ओपनली नहीं होती है, ठीक है। और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ऐसे कर रहे हो, आप छोटे बच्चे होते हैं और ओल्ड एज लोग भी होते हैं। एक टाइम पे मतलब मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एक आंटी कुछ कपल को बोल रही थी और दे आर लाइक फाइटिंग, वो उनसे लड़ रहे थे बुरी तरह से। और ये मतलब इट्स नॉट द वे ना, कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखा के भेजा है जिस हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे किसी बड़े से आप बात ही नहीं कर सकते। एंड वो इतने बदतमीजी से बात कर रहे थे और मतलब बेसिकली वो खुद गलत कर रहे हैं और उसके बाद भी दूसरों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और उनसे मतलब बदतमीजी कर रहे हैं। और लाइक जो स्मोकिंग की वीडियो है, और इसके लिए तो मेट्रो स्टाफ को भी एक तरह से मतलब जागरूक होना चाहिए आई कैन से, क्योंकि अगर वो देख रहे हैं लाइक मेट्रोज में कैमराज होते हैं, ठीक है, और अगर वो कैमरे में देख रहे हैं उसको, तो उस पर्सन के खिलाफ कुछ एक्शन लें। हर मेट्रो स्टेशन पे पुलिस वाले होते हैं, वो आके नेक्स्ट स्टेशन पे ही उस पर्सन को पकड़ सकते हैं। बट ये हमारे देश की भी गलती है और हमारे मेट्रो स्टाफ की भी गलती है कि वो नहीं जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में जिस तरीके की अश्लीलता फैल रही है और बीड़ी पीते हुए दिख रहे हैं, तो ये चीजें सही है या गलत है? गलत है, बीड़ी तो पीने नहीं चाहिए, जो बीड़ी पी रहा उसको जुर्माना लगाना चाहिए उसको। और जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनके साथ, अश्लीलता क्यों फैलाएंगे, पब्लिक प्लेस है, मेट्रो है वो, तेरे बाप की थोड़ी है, होटल थोड़ी है। प्यार किया जाके अपने आप को जैसे मर्जी कर ले, गलत बात है। दिल्ली मेट्रो में जिस तरीके से अश्लील वीडियोस देखने को मिल रही है और अभी एक बीड़ी पीते हुए भी वीडियो मिली है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम, वैसे तो दिल्ली के अंदर सार्वजनिक स्थान पे पब्लिक प्लेसेस के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बैन है ऑलरेडी, लेकिन जनता को शायद पता नहीं है। कई लोग तो बाहर के आते हैं दिल्ली के अंदर, सभी राज्यों से आते हैं लोग, यूपी बिहार से भी आते हैं, अलग अलग जगहों से, शायद वहाँ पे अलाउड है सिगरेट पीना, लेकिन दिल्ली में नहीं, उनको कानून के बारे में पता नहीं है, तो गलती से भी पीते हैं। कई बार लोग गुंडागर्दी में उतर आते हैं, दे डोंट केयर, वो एटीट्यूड होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करते हैं, तो वो गलत है। कानून का उल्लंघन करना तो सजा के काबिल है, वो सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बार अश्लील वीडियो का मुझे पता नहीं कि क्या कहने का मतलब है, कुछ वो सेक्सुअल एक्ट कर रहे थे या किस करना सेक्सुअल एक्ट में नहीं आता, और किस करना, तो जहां तक बात है हमारे हमारे बड़े बड़े नेता लोग जब फ्लाइंग किस करते हैं संसद के अंदर, हम मुझे पता है, तो वो किस कर रहे हैं, तो जब हमारे बड़े नेता जब संसद में फ्लाइंग किस के अंदर कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो जब वो ऐसा कल्चर लाना चाहते हैं, तो किस करने में इज नॉट अ बिग डील, एक्चुअली किस करना कोई गुनाह थोड़ी है, तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? आपको नहीं लगता कि मेट्रो में बुजुर्ग भी ट्रेवल करते हैं, बच्चे भी ट्रेवल करते हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा? यार मुझे एक बात बताइए कि बुजुर्ग लोग जितने भी बंदे हैं वो सब कुछ अपनी जिंदगी में कर चुके होते हैं, सब चीज कर लेते हैं, और यंग बंदों को ना वो रोक देते हैं,
ये मत करो वो मत करो, पहले सारे पाप खुद कर लेते हैं और दूसरों को रोकते हैं कि ये मत करो वो मत करो, ये गलत है ना। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें हमारे समाज में बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप या तो बोल दो कि आपने अपने जमाने के अंदर बुजुर्गों ने कुछ करा नहीं है, खूब आशी करी होती है उन्होंने, सब कुछ करे होते हैं छुप छुप के, है ना, अपने माँ बापों से छुप छुप, हर बंदा करता है, और नए बंदों को बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, अभी फ्रीडम कहाँ है फिर? अब फ्रीडम ऑफ, आज की दुनिया है 21वीं सदी है यार, आगे बढ़ रहे हैं लोग, ये छोटी सी चीज है। बाहर देशों में तमाम यूरोपियन देशों के अंदर किश करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूरोप भी गया हूँ, वहां पे बस स्टैंड पे किश कर रहे होते हैं, कोई देखता भी नहीं है ऐसे करके, दे डोंट केयर, अपनी पर्सनल लाइफ है किसी की, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएफ मतलब जो पब्लिक प्लेस में जो थोड़ा भी अगर अफेक्शन दिखाना चाहते हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है, एक लिमिट होती है कि मैं इंडिशन से किसको कहते हैं, कोई सेक्सुअल एक्ट तो नहीं कर रहे ना कुछ, कोई उसके साथ में कोई सेक्स थोड़ी कर रहा है कोई, ठीक है, किश करना हाथ पकड़ना ये नॉर्मल बात है। ये इंडिया को अगर आपको डेवलप होना है और पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनना चाहते हो, किस आधार पर बनना चाहते हो मुझे ये बताइए? जो डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, कामा सूत्रा कहाँ से आया था? कामा सूत्रा तो भारत की तो देन है, सारी दुनिया में विश्वगुरु बनते हो आप, कामसूत्र वाज फ्रॉम, टेल मी। तो तमाम चीजें हमें अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा। विश्वगुरु बनना चाहते हो, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आपको कन्वर्ट करना चाहते हो, मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हो, और बात करते हो पुरानी सड़ी गली, आप अब हजारों साल पुरानी बात करते हो, मुझे बताइए ना हमारे जो वेद पुराण संस्कृति में क्या पहले, आप कितने भी मंदिर हैं उनमें आप खुजराव पे क्या है, खुजराव पे क्या बनाए मुझे बताइए? तमाम मूर्तियां बनी हुई है ना वहां पे खुजराव पे? नहीं बनी हुई है, हमारी तमाम मंदिरों के अंदर इस मूर्तियां हैं, हमारी एक संस्कृति है कामा सूत्रा की यार, कितना मैं ये तो नहीं कर रहा, वो सेक्सुअल एक्ट कर रहे थे, देखो नथिंग, हाथ पकड़ना अपनी गर्लफ्रेंड का या किस करना ठीक है।